स्टैंडर्ड इंटरवल्स हमारे पास ये तीन फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, स्टैंडर्ड इंटरवल्स हैं ये, एक सिमसे फार्मूले के रूप में इनको हम आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। जब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो हम डायरेक्ट ये फार्मूले के रूप में यूज करेंगे। तो हम पहले इनका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट लेता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू 1 बाई a² - x² और ये dx, ओके। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हम पहले इन क्वेश्चन को करते भी रहे हैं। अगर a² - x² आ जाए तो हम यहाँ पुट करते हैं x की जगह a sin थीटा या a cos थीटा, जो कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर चुके हैं, तो आप उस तरह से खुद कर लेना। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, आप देखिए आगे ये dx है, ये फार्मूला a² - b² टाइप का है, तो ये a - x (a+x) लिखा जा सकता है, ओके। और सेम क्वांटिटी ये प्रोडक्ट में है, तो ऊपर प्लस माइनस में भी हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं 1/2a से, तो ये ऊपर 2a आ गया, क्योंकि a भी चाहिएगा और x भी, तो a - x (a+x) आप ऐसे लिखें (dx), तो ये बन जाएगा a+a, ओके। ये 1/2a, अब a+a, और इसको लिख सकते हैं a+a में x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया इस तरह से, ऐड भी हो गया x, सब्ट्रैक्ट भी हो गया, 2a को a लिख दिया, और a - x और a+x आप ऐसा कर सकते हैं, ये इंटीग्रेबल बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर प्लस, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखें, और ये आएगा 1/2a a - x (a+x), ठीक है, और प्लस ये बन गया a+x (a-x) (a+x) और ये dx पूरे के लिए। अब आप देखिए ये a - x कैंसिल हो गया, यहाँ a+x हो गया, और 1/2a 1/(a+x) + 1/(a-x) और dx, ठीक है, ये आ गया। अब ये इंटीग्रेबल है, तो आप लिख सकते हैं इसको 1/2a, ये 1/(a+x) क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ a+x होता है, प्लस ऐसे इसका log ऑफ मोड ऑफ a-x होता है, अपॉन में -1, तो -1 आप यहाँ कर सकते हैं, अपॉन -1 करना, क्योंकि इसका तो 1 ही आ जाता है, तो ये माइनस ऊपर पहुँचा दिया है मैंने, प्लस c, और ये बन गया 1/2a, यानी कि ये आंसर आ गया है 1/(a²) + (x²) dx का, आपका ये बन गया 1/2a log ऑफ मोड ऑफ ये log m - n, तो आ जाएगा log ऑफ a+x (a-x) m/n फॉर्म में प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रल आ गया है। अब नोट करें, जब भी कभी हमें इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा माइनस का सॉरी ये, तो हमें डायरेक्ट आइए यूज कर लेंगे, इनको आपने याद रखना है, आगे बात समझ में। इसको आप अपने तरीके से भी कर सकते थे, राइट, ऐसे ही सेकंड को भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ये 1/(x²-a²) dx है, लेट आई इज इक्वल टू, आपने ये मान लिया।
आप ये जो तरीका मैंने ऊपर अपनाया, आप ये भी कर सकते हैं, वही 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड। और नहीं तो इसमें फ़र्क क्या है, अगर मैं माइनस बाहर कर दूं तो 1 बाई, ये वही ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये बन गया dx, सेम क्वेश्चन है। और अब हमें पता है इसका आंसर, इतने का आंसर क्या है, ये आया हुआ है, तो ये माइनस के 1/2a आ जाएगा log ऑफ मोड ऑफ, और ये आ गया ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं, ये -1 है, -1 है तो आप ऊपर ले जा सकते हैं, ये 1/2a, ठीक है, और लॉग ऑफ मोड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है ना, ये जो पावर होती है ऊपर आएगी लॉग की फॉर्म में, -1 पावर ये प्लस सी। अब आप इसको भी लिख सकते हैं 1/2a log ऑफ मोड ऑफ, क्योंकि ये जैसे ये होता है a की पावर -1 है तो अब 1/a है, तो उल्टा आ जाएगा, ऊपर आएगा a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ये पावर आप हटा सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज कर रहे हैं हम, ये ca, तो ये आंसर आ गया। तो आप लिखेंगे 1 अपॉन x² माइनस ए स्केयर डी एक्स, अगर ये आ गया हमारे पास तो आंसर रहेगा 1/2a लॉग ऑफ मोड ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस सी। अब इसको भी याद रखें, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स कहलाते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूले में यूज हो जाएंगे। ओके, चलिए, ये आपके पास सेकंड था, अब थर्ड भी कर लेते हैं। थर्ड भी ऐसे हैं, हम क्वेश्चन के रूप में भी कर चुके हैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx है, ठीक। तो ये क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल के रूप में भी है और क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। तो क्या करना है अपने, ये पहले आपने किया था ए स्केयर प्लस एक्स की, एक्स स्केयर आया तो एक्स की जगह ए टेंजेंट थीटा या ए कोट थीटा पुट करते हैं, तो ऐसा ही हम कर सकते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स बाई ए और ये टेंजेंट थीटा, और इसको करेंगे तो 1/a डी एक्स आ जाएगा और ये टेंजेंट का सिकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा, तो डी एक्स को आप ये उधर चला जाएगा, डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू ए सिकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। ओके, और ये क्वेश्चन बन गया, ये ए मैं बाहर लिख दूंगा और सिकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर एक्स की जगह भी पुट कर दिया गया। अब ए स्क्वेयर है जो कॉमन आ गया, ये ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया मैंने, सिकेंड स्क्वेयर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा रह गया, यहाँ ए स्क्वेयर बाहर है और ये डी थीटा, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा क्या होता है, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये भी सिकेंड स्क्वेयर थीटा होता है, तो ये आ जाएगा और यहाँ से ये आ गया, यानी कि 1/a यहाँ 1 थीटा आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन अब करेंगे 1/a विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा ही आएगा प्लस सी। अब आप क्या करना, यहाँ से वैल्यू निकाल दो 1/a, और थीटा अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x/a, तो यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स x/a ये पुट करें प्लस सी, तो ये आ गया। अब आगे आप नोट करें, ये डी एक्स ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का आंसर ये आएगा 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है, जब यहाँ 1 होता था डी एक्स 1 प्लस x² तो टेंजेंट इनवर्स एक्स ही होता है ना, तो इसमें ए आ गया तो 1/a आएगा टेंजेंट इनवर्स x/a। ओके, तो ये 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल मैंने आपको बता दिए, इन्हीं को और कई तरीके से भी हम, मतलब ये क्वेश्चन कई तरीके से आएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, अब हम ये टाइप है करेंगे, ठीक है कि नहीं।
तीनों को आप अच्छी तरह से लर्न करें, ये इम्पोर्टेंट हैं।